राधे राधे, एक और वीडियो शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर के। तीन एरर दी गई है इसमें, है ना, तीन एरर की बात कर रहा हूँ। और ये तीनों की तीनों एरर सीबीएसई बोर्ड ने जो 10th का सैंपल पेपर इश्यू किया था वहां से उठाई है मैंने, ठीक है, डिस्कस करते हैं। अच्छे एरर है, देखिएगा। डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू कमेटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट डैश द नॉमिनेशंस फॉर सेफ रेजिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करंट ईयर। इसकी वर्ब फॉर्म भरनी है आपको, यहाँ पे तीन ही तो होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वो आप इजीली देख सकते हैं सैंपल पेपर में, तो मैंने ज्यादा नहीं लिखा है क्योंकि फिर कंटेंट ज्यादा हो जाता। तो इसकी ना फॉर्म फिल करनी है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सीबीएसई का सैंपल पेपर देख लिया होगा तो जाहिर सी बात है शायद आंसर भी देख लिए हूं। मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा हाइलाइट्स, ठीक है। मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आंसर तो हमने भी देख लिया था, ये आया क्यों है मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ये आया क्यों है, हाइलाइट्स क्यों लगाया है आपने, भी सेम थोड़ी आएगी एग्जाम में। देखिएगा, दिस इज विद रेफरेंस टू कमेटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट, अब यहीं पे रुक जाइए बस, ठीक है। दिस इज विद रेफरेंस टू द कमेटीज लेटर, ये जो मैसेज दिया गया है किसके रेफरेंस में, कमेटीज लेटर। इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है आपको, क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। कह रहा दिस इज विद रेफरेंस टू कमेटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट हाइलाइट्स, कि दैट मतलब कौन है यहां पे, दैट मतलब वो लेटर, दैट मतलब वो लेटर, और लेटर कितने हैं, सिंगुलर है पहली बात। लेकिन सर हाइलाइटेड भी तो आ सकता था, हाँ लेकिन क्यों नहीं आया फिर, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा बात। आपके पास बोर्ड पे अगर तीन लाइन लिखी हुई हैं और एग्जाम में शायद दो लाइनें आएंगी, मतलब क्योंकि ये लिखा हुआ है हाथ से, ये प्रेजेंट में है, ठीक है। एक दैट हाइलाइट्स मैंने नॉमिनेशंस फॉर सेफ रेजिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करंट ईयर, ये करंट ईयर आपको बता रहा है कि प्रेजेंट की बात है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में शुरू हो रहा है, कोई बात प्रेजेंट में शुरू हो रही है तो 99% उसके अंदर प्रेजेंट ही यूज होगा, ठीक है। इसीलिए हाइलाइट्स आया, हाइलाइट्स क्यों आया, कमेटीज लेटर का रेफरेंस है, इसको सब ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर हाइलाइट्स का यूज किया है, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, इसीलिए यहां पर क्या आएगा, हाइलाइट्स। रिपीट कर दे रहा हूं, This is with reference to committee's letter of recommendation that, ये that किसके लिए आया, ये जो बात कह रहा है किसके reference में है, committee का वो letter जो recommendation का letter है ना, वो जो highlight करता है वो कौन है यहाँ पे, letter, और letter क्या है, singular है, इसलिए highlights आया, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, This delightful recipe must keep your hunger pangs at bay with its balanced spices and oriental flavor, इसमें भाई साहब ढूंढने आया है, क्या ढूंढनी है, कोई गलती है इसमें, शुरू से देखना चलते हैं, शुरू से देखते हैं। दिस डिलाइटफुल, इससे पहले एरर में मैंने दिस और दैट शायद बताया हुआ है, देख लीजिएगा, है ना, नहीं तो अगली वीडियो में बता देंगे। दिस डिलाइटफुल रेसिपी, ठीक है, सिंगुलर है, दिस ही आता है, अगर ये प्लूरल होता तो दीज आ जाता, भाई सिंगुलर है तो दिस आता है, प्लूरल होता है तो दीज आता है। चलिए आगे चलते हैं, मस्ट है, अच्छा यहाँ पे ठीक है, मस्ट आता है, मस्ट एक मॉडल है, और मस्ट कब यूज होता है, जब कोई चीज मतलब आप उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत प्रेशर डाल के उसको याद दिलाना चाह रहे हो, जैसे यू मस्ट स्टडी, आपको पढ़ना ही चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो मस्ट तब आता है, देखने आगे पता लगेगा। कीप योर हंगर, हाँ ठीक है, पैंट्स एट बे, अब शायद आपको लग सकता है कि पैंट्स एट बे क्या होता है, एक फ्रेज है, पैंट्स का मतलब होता है
किसी फिजिकली जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, जो फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है उसको शांत करना, एट बे, ये पूरी फ्रेज है, पेंस एट बे, मतलब किसी शारीरिक पीड़ा को आप शांत कर देते हैं, उसे बोलते हैं विद इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। इट्स किसके लिए आया? इसके लिए, ठीक है। मैं इस चीज इसलिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है अब वही आएगी जो आपको बताई जा रही है, कहीं से भी आ सकती है, तो ध्यान रखे क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इट्स आया है, ठीक है। इट्स इसकी जो ये इट्स, अब देखो क्या गलती है, गलती मस्ट की है, मैंने पहले भी कहा आंसर तो आपने देख के लिए होंगे, क्या आएगा? विल आएगा। क्यों आएगा समझिएगा, ये जो डिलाइटफुल रेसिपी है ये तुम्हारी भूख को शांत कर देगी, कैसे? अपने बैलेंस मसालों से और अपने फ्लेवर से क्या कर देगी? शांत कर देगी, मस्त नहीं आएगा, कर देगी, तुम्हारी जो जरूरत है उसे पूरा कर देगी, इसलिए भी लाया है यहाँ पे। मस्त कब आता है? जब सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी, आप थोड़ा बहुत प्रेशर डाल के कहना चाहते हैं उससे, तब मस्त आता है। आगे चलते हैं। पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्वलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर। ये एक जो हमारे एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना जिनमें सवारी जाते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ था कि भाई एक मैसेज है, कोई गलती छाटनी है, गलती का छाट दे, ध्यान से देखो, पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट, पैसेंजर्स एयरपोर्ट नहीं पहुंचेंगे देर से, इन ऑर्डर टू अवॉइड, बचने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड मतलब अवॉइड करने के लिए, क्या अवॉइड करने के लिए नहीं पहुंचेंगे लेट, क्यों? अगर वो लेट पहुंचते हैं ना तो क्या होगा, बेसिक किराए का, बेसिक फेयर का 5% उन पे पेनल्टी लगेगी, क्या लगेगी? फाइन लगेगा। तो क्या आना चाहिए? शुड, क्यों? पैसेंजर्स शुड नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट, पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर देर से नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? अवॉइड, जिससे वो अवॉइड कर सकें, क्या अवॉइड कर सकें, किससे बच सकें? अपने इस 5% के फाइन से। तो 5% के फाइन से बचने के लिए पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर लेट नहीं आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मोरल जिम्मेदारी है, किराया बचेगा, पैसे बचाने हैं तो इस वक्त आ जाइए, नहीं आना चाहिए आपको लेट, नहीं तो आप आ जाइए, आपकी मर्जी है, ठीक है।